क्या देख रहे हो? बुक को। बुक नहीं, मुझे पता है तुम कुछ और देख रहे हो। हाँ? ए ऑटो वाले, क्या कर रहे हैं? कितने घोड़ों को और बिठाएगा? ये पब्लिक ऑटो है मैडम, गधे भी पैसा देंगे तो उन्हें भी बिठाऊंगा। पूरे जू को बिठा, पर तमीज से। ब्रेक का फायदा उठाकर जानबूझ के टकराते हैं गधे घोड़े कहीं के। 3 रुपए पूरी तरह से वसूलते हैं ये। ए, पढ़ती रहे। स्टूपिड इडियट। स्टूपिड। ओहो, गुंडे को पुलिस सल्यूट कर रही है। गुड मॉर्निंग। कबूतरी को पार्ले जी खिलाई मगर फंसी नहीं यार। उसे दाना डाल दे यार। हाय। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाय। एक गुंडा मेरे पीछे लगा है। गुंडा? वो भी हमारे कॉलेज में? किसको पीछा है वो? बोल रहे हो? समझता क्या है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? चलो देखते हैं कौन है। कौन है वो? क्या छोड़ेंगे? नहीं वो है वो आदमी। ज्यादा मत मारना, सिर्फ 100-200 लात। लगता है ये यहाँ का डॉन है। प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, मैं नई स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ। सर, आपको कैंपस की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। ये बात नहीं उम्मीद अनुसार। वैसे क्या हुआ? सर, एक बड़ी मूछों वाला मुझे बहुत तंग कर रहा है। कौन है वो? ये भी नहीं उम्मीद अनुसार। ये तो कॉलेज की सिक्योरिटी है। इसका नाम है वीर सिम्मा, मैथ्स का प्रोफेसर। ये रहता रावण के स्टाइल में है, लेकिन मदद राम की तरह करता है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे धर्मपाजी याद आ जाते हैं। ओ वीर सिम्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वीरू। ये है रागिनी, अपना बोरिंग कॉलेज छोड़कर ये हमारे इंटरेस्टिंग कॉलेज में आई है। हाय। सर, जस्ट अ मिनट सर। सॉरी सर, आप स्टूडेंट लगते हैं, प्रोफेसर नहीं। सॉरी। इट्स ओके। बाय द वे, मैं तुम्हारी बुक देख रहा था। ओह गॉड। क्या देखा इसने? मैं किसी चपरासी को क्यों बताऊं कि क्या देखा? तुम सूरज पे क्यों जाती हो देवी? कोयले से भी ज्यादा काला दिखने वाला हीरो है सुनील शेट्टी। जब वो हीरो बन सकता है, मैं तो फिर भी सलमान खान जैसा दिखता हूँ। मैं बहुत मनोरंजन करता हूँ, लेकिन ना मैं बोर कर ईस्ट और वेस्ट। आई एम द बेस्ट। सर सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे क्या देख लिया उसने? बुक सर। कौन सी बुक? किसी की बुक देख लेता है तो किसी की बुक खोल लेता है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के बोल बोलता है। बहुत चालू है वो। उसे अपनी बुक में बंद कर लो प्लीज, नहीं तो वो दूसरों की बुक को खोल कर पढ़ लेगा। समझ गई ना तुम? तुम कर सकती हो। हे, क्या है ये सब? हे, जा जा। मैं जापानी बोल रही हूँ क्या? उंगली क्या दिखा रहा है? हे, मैंने बोला ना कि जा। तो पिछले साल का टॉपर है ना? यस सर। हाथ में क्या है तेरे? कुछ नहीं सर। कहाँ से आया ये? पता नहीं सर। पता कहाँ से आया? पता नहीं सर, बॉबी सर से लिया सर, रूम नंबर 6 सर, और कुछ पता नहीं सर। क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? या पढ़ने आते हो या नशा करने? कॉलेज का माहौल गंदा करते हो। चल निकल यहाँ से। नशा करने आते हो यहाँ? हाँ, क्या मार रहा है बे?
तू कहीं का कलेक्टर है क्या? कलेक्टर, कलेक्टर हूँ मैं, नशा करने आता है यहाँ, तुझे नशा करना है, ये ले नशा, रखा कर, करो नशा, पापा, मैं पिट रहा हूँ, अरे वो आ गया, भागो, अरे बाप की पिगड़ी आ गया, सर मत प्लीज सर मत मारना, आंखें निकाल लूंगा, जा अपने बाप को लेकर आ, जा। यही है। तूने क्यों मारा बॉबी भाई को? तू इसका बाप है क्या? नहीं। तू बाप है क्या? नहीं। हमारा बेटा नहीं वो आ गया। प्रेशर बढ़ गया। ये तुम में से किसी का बेटा नहीं है। बाप को आने दो, मैं बताऊंगा कि क्यों मारा है। समझा कि नहीं समझा? चल जा, जा। सर, वो हमको ये कह के धो रहा है कि हम उसके बाप नहीं है, अपने सारे लोगों को मार चुका है। सर, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं तो धुलाई के साथ साथ प्रेस भी हो जाएगी। सर! ये कैंपस तेरे बाप का है क्या? मेरे बाप का तो नहीं, लेकिन शरीफ बापों के शरीफ बच्चों का जरूर है। ये बात तेरे कमीने बेटे को समझानी थी, समझा कि नहीं मोटी बुद्धि? तो तू मेयर के बेटे को जान से मार डालेगा? सॉरी, गलती से निकल गया। नहीं समझा तो बाप बेटे दोनों की धज्जियां उड़ा दूंगा। कान ठीक है मेरे, लेकिन दिमाग अक्सर खराब हो जाता है। अगर दिमाग खराब हो गया तो मेयर से लेट मेयर बना दूंगा। जब कोई नागरिक शहर के नियम तोड़ता है तो तू उन सबसे रिश्वत खाता है, और मैं कॉलेज के नियम तोड़ने पर सर से पांव तक सब तोड़ देता हूँ। तेरे बेटे के पिटने पर तेरा दिल दुखा, लेकिन मेरे स्टूडेंट के बिगड़ने पर मुझे यहाँ दुखता है। और अगर यहाँ दुखा तो मैथ्स का हर क्वेश्चन एक अलग फॉर्मूला से सॉल्व होता है, लेकिन बदमाश के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसे सुधारने के लिए शराफत का फॉर्मूला फेल हो जाता है। बस एक ही इलाज है, साले को फोड़ दो। बच्चा गलत रास्तों पर जाए तो उसे प्यार से समझाओ, ना समझे तो डांट से समझाओ, फिर भी ना समझे तो मेरे पास भेज दो, तब भी ना समझे तो सीधा ऊपर जाएगा। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत बोलने लगते हैं, उसे तो क्या उसके बाप को भी समझना पड़ेगा। जाओ जाओ। Are you okay? Yes, sir. ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम चिंता मत करो। गुड जॉब। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि दूसरों की मदद करने का जज्बा तुम में बहुत है। अच्छा काम किया, keep it up. Sir, sweets. किस खुशी में? ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, यही खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, ये सिर्फ आपके प्यार और मेहनत का नतीजा है सर। मैं अब्रॉड जा रही हूँ सर, इसलिए सोचा कि एक छोटी सी पार्टी दे दूँ। आप उस पार्टी में आएंगे ना सर? शायद मैं ना आ पाऊँ। प्लीज मना मत कीजिए। अच्छा है कि नहीं आ रहे, क्योंकि ये आ गए तो डीजे कुछ नहीं बजा रहा होगा, ये सबको बजा रहे होंगे। मुझे बुलाओ, मैं माइकल जैक्सन का पोता हूँ। ओके पंडित जी, सही कह रहे हो। हैव फन।
हाँ जी। हाय सर। हाय, हाउ आर यू? फाइन सर। कौन है ये? मेरी स्टूडेंट है दादी माँ। नमस्ते आंटी। कैसे लगी ये चोट? कॉलेज कैंपस में स्कूटी फिसलने से इसे चोट लग गई। एक बात कहूं बेटा, गाड़ी धीरे चलाया करो। ठीक है। आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि दादी माँ लड़ाई झगड़े से डरती हैं। आप आज पहली बार मुस्कुरा रहे हैं सर। रागनी, मैं सिर्फ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन बाहर एक आम इंसान। फिर तो हम दोनों की बहुत जमेगी। डेफिनेटली। टेक केयर। हाय सर। हाय, चोट कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। आप हमेशा किताब पढ़ते हैं? यस, उस दिन भी मैं आप किताब ही देख रहे थे। चल चले, ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुमने स्टडी कर ली? हाय। हाय, कैसे आना हुआ? दोस्तों के साथ। ओके, कैरी ऑन। बाय बाय। सर सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इट्स ओके सर। कॉलेज किसी का घर नहीं जो किसी के बाप का हो, ये तो शिक्षा का मंदिर है।